दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है वो ये मैंने सुबह से स्टार्ट किया हुआ है। देवांश गया था स्कूल, बाद में मैंने शिव का जो भी रूटीन होता है वो मैंने कर दिया था, मतलब उसे शिव को नाश्ता करवा दिया था, उसे मैंने बात भी दे दी थी। और अभी हो गया था शिव का सोने का टाइम। अभी शिव सोएगा तो उठेगा, जल्दी उठेगा नहीं, इसलिए मुझे आज बेडशीट भी चेंज कर दी थी। तो वही जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि वो रोने लग गया था, उसे सोना था इसलिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम में बेडशीट चेंज करने के लिए। मैंने बेडशीट जल्दी जल्दी फटाक से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जल्दी थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बेडशीट जो है ना डाल दी थी। और ये वाला वाइट वाला जो कुशन है इसका मुझे कवर नहीं मिल रहा था, तो मैंने वैसे ही रख दिया था, क्योंकि जब भी बच्चे रोने लग जाते ना कुछ समझ में ही नहीं आता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता है। तो बस मैं जैसे तैसे करी थी, मतलब बेडशीट भी मैं बाद में ही चेंज करना चाहती थी, बट वो उठेगा नहीं, उठने तक तो उसे 2 बज ही जाएंगे। तब तक मेरा ना बेडशीट चेंज कर दिए तो अच्छे से जो है ना मशीन में लगा दूंगी, तब तक मेरा बेडशीट वॉश हो जाएगी करके मैंने निकाल दी थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर हॉल में, शिव रो रहा था बट अभी थोड़ा सा शांत हो गया था, तो सोची ये वाली भी बेडशीट निकाल देती हूँ। ये भी मुझे निकालनी ही थी, और 3-4 दिन में मुझे बेडशीट चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों वाले घर में ये तो रहता ही है, बेडशीट हो गया मतलब घर हो गया, काफ़ी जल्दी ख़राब होने लग जाता है। तो बस मैंने शिव को नाश्ता तो सुबह में ही कर दिया था, बट उसे खाना था बनाना, तो मैंने स्लाइस में बनाना कट करके शिव को दे दिया था। इसके बाद में जो ना शिव को सुला देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने शिव को सुला दिया था, मैंने बात ले ली थी, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैंने बात ली, आज मुझे हेयर वॉश करना था, और थोड़े से कपड़े पे हैंड वॉश के थे वो किया। तब तक तो शिव उठ ही गया था, ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वो उठ ही गया था। रोज़ थोड़ा सा लेट सोता है, मुझे लगा वही सोएगा, बट थोड़ा सा कोल्ड का प्रॉब्लम चल रहा है ना बच्चों को, इसीलिए वो सो नहीं पाया है। तो उठने के बाद मैंने उसे अच्छे से मस्टर्ड ऑयल से मालिश की, विक्स वगैरह लगा दिया, इसलिए वो ना थोड़ा सा चिड़चिड़ापन करने लग गया, आप देख सकते हो। ये मैंने उसे बात नहीं दी है आज, सिर्फ मैंने उसे मतलब गर्म पानी से हाथ पांव पोंछ लिए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पे उसे मेरे पास ही बिठा दिया था। मैंने सॉक्स उसे डाल दिए थे, बट वो आजकल पता नहीं वो सॉक्स ही नहीं रख रहा है, जैसे ही मैं डालती हूँ सॉक्स निकाल के फेंकने लग जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा बाकी थी, तो सोची मतलब पूजा जल्दी से कर लेती हूँ। आज मतलब थोड़ा सा मुझे लेट हुआ था पूजा करने के लिए, तो सोची आज मतलब जो भी रोज़ क्या होता है ना, मुझे यानी कि वीकली जो मेरा मन पूजा का रूटीन जो होता है ना, वीकली मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, मूर्ति या वगैरह पीताम्बरी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। बट 2 दिन में एक बार क्या करती हूँ ना, मैं सारी मूर्तियाँ और सारा जो भी सामान है पूजा मंदिर में रखा हुआ वो सारा निकाल देती हूँ, और एक सूखे कपड़े से सारा कुछ साफ़ करके ले लेती हूँ। गीला कपड़ा तो नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि ये वुडन का है, नहीं तो फूलने लग जाएगा। ऊपर से वेदर भी काफ़ी ठंडा है, और यहाँ पे बेंगलोर में तो ठंडा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, मैंने सारा मंदिर सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, उसके बाद फ़ोटो फ्रेम भी थोड़ा सा साफ़ कर ली थी, उसे मैंने कुमकुम वगैरह लगा दिया था। और बस यहाँ पे मैं भगवान जी की पूजा कर ली थी। मुझे मतलब जो भी मेरे पास फ्लावर है, ये वाले येलो फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लग रही है, मैंने वीडियो एडिटिंग करते टाइम देखा तो मतलब अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे पूजा में मैं वही यूज़ करती हूँ फ्लावर, जो भी अवेलेबल होते हैं वही। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, मैं बड़ी वाली लाइट ऑफ कर देती हूँ, और ये दिवाली के टाइम पे नहीं लाइट लगाई थी, तो बस वही मैं रख दी, अच्छी लग रही थी इसलिए वही लगा देती हूँ, चला देती हूँ, और रात में ना सोने के टाइम ही बंद कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, लंच बनाना था मुझे, बच्चों की तबीयत भी थोड़ी आजकल ठीक नहीं चल रही है, और देवांश भी मतलब थोड़ी सी सब्जी खाने में उसका मन नहीं है आजकल, वो दाल अच्छे से खा रहा है, तो सोची मैं दाल ही बना देती हूँ। और आज जो है ना हस्बैंड का जो कॉल भी था, मुझे तो देवांश को लाने के लिए मुझे ही जाना था, इसलिए मतलब आज मेरा फुल डे इतना बिजी रहा है, काफ़ी हिक्टिक था, मतलब थोड़ा सा बच्चों की तबीयत भी ठीक ना हो ना तो किसी काम में मन नहीं लगता है। देवांश की तबीयत भी थोड़ी सी मतलब पता नहीं, बार बार बच्चों को कोल्ड हुआ जा रहा है और कम ही नहीं हो रहा है, शायद मतलब वेदर भी ठंडा है और हमारा घर भी मतलब काफ़ी ठंडा है, धूप ही नहीं आती है, इसी वजह से थोड़ा सा धूप लग जाए ना बच्चों को भी थोड़ा सा अलग रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को मतलब हॉस्पिटल में भी लेके गई थी,
मतलब मेडिसिन वगैरह चल रही है, बट मेडिसिन से तो कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं है। बस वही घर की थोड़ी बहुत चीज़ें दे रही हूँ मैं उनको, तो उनसे थोड़ा सा रिलीफ है। तो बस यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, डायरेक्ट मैं कुकर में ही दाल बना लूँगी। तो उस तड़के के लिए मैंने रेडी कर दिया, यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, थोड़ा सा धनिया, करी पत्ता। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला था, तेल गर्म होते ही मैंने मस्टर्ड ऑयल और जीरा ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज डाल दिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। नहीं तो मैं इस स्टेज पे क्या करती हूँ ना, प्याज डालने के बाद जीरा और लहसुन जो है ना बारीक कूट के लेती हूँ और डाल देती हूँ। बट अभी मेरे पास लहसुन छिला हुआ नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला पेस्ट डाल दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद छींटे उठ रही थी, इसलिए मैंने ढक्कन लीड जो है ना कुकर के ऊपर ढक दिया था थोड़े टाइम के लिए, 1-2 मिनट रखा था बस उतना ही। उसके बाद यहाँ पे तड़का मतलब अच्छा प्याज जो है ना अच्छा ब्राउन हो गया था, इसी स्टेज पे मैं डाल देती हूँ एक टमाटर डाल दिया था, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक ताकि टमाटर जो है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरा तड़का रेडी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो बारीक कट करके इसी स्टेज पे डाल दिया था। मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, दाल में थोड़ी मतलब रोज थोड़ा थोड़ी थोड़ी कुछ अलग बना देती हूँ, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से तड़का बन के रेडी है। तो इसमें मैं मसाले ऐड कर देती हूँ जो भी मतलब मुझे पसंद है वो वाले, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दिया है, बस ज़्यादा मसाले तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उतने। और बस यहाँ पे मैंने तड़के में अच्छा सा तड़का बन के रेडी है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी दाल, और दाल को भी जो है ना मसाले में अच्छे से फ्राई कर लूँगी लगभग 2 से 3 मिनट तक। और आज जो इसके साथ में बनने वाली थी ज्वारी की रोटी, और ज्वारी की रोटी बनने के लिए चपाती से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप देख सकते हो दाल मैंने अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी पानी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, मुझे थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि ये तुअर की दाल है, होममेड दाल है, तो मतलब थोड़े टाइम ठंडी होने के बाद ना गाढ़ी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा पतला बना देती हूँ, बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने कुकर का लीड लगा दिया है, मैं 3 सीटियाँ लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे मतलब गैस स्टोव के ऊपर जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया था कुकर, और यहाँ पे एक साइड में रखी हूँ मैं पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि ये वाला पानी जो है ना मैं ज्वारी की रोटी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मतलब आटे के ऊपर डिपेंड करता है आपके, कोई कोई आटा किसी के आटे में आपको मतलब गर्म पानी यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ठंडे पानी से रोटी काफ़ी अच्छी बन के रेडी हो जाती है। बट इस वाले आटे में ना थोड़ी सी रोटी जो है ना टूट रही है बाजू से मतलब उठाते टाइम, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ गर्म, तो रोटी भी काफ़ी अच्छी बन के रेडी हो जाती है, टूटती नहीं। आप जितनी बड़ी चाहे जितनी बड़ी बनाना है उतनी बड़ी बना सकते हो, आपकी रोटी रोटी जो है ना टूटेगी नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने आटे में जैसे राउंड किया है, और वो नीचे आटे के बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप करके लिया था, और वही उसी में मैंने गर्म पानी डाल के वो आटा मिक्स करके छोटा सा बाउल बना के लिया था गर्म पानी के आटे का, और दूसरा जो आटा है मैंने ठंडे पानी से ही लगाया था। और यहाँ पे मैंने जो ठंडे पानी का आटा बनाया था वो ज़्यादा, और जो गर्म पानी का आटा मैंने बाउल बना के लिया था उसमें से थोड़ा आटा लेके इसमें मिक्स करके अगर आप रोटी बनाओगे ना, हमारे साइड में इसी तरह से बनाई जाती है, तो मैं भी उसी तरह से बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मतलब रोटी बिल्कुल भी मतलब आपकी फटेगी नहीं अगर आप गर्म पानी यूज़ करते हैं तो। बस यहाँ पे मेरी रोटी बन के रेडी है। आपको तवा जो है ना अच्छा खासा गर्म करके लेना है, तभी आपकी रोटी अच्छी बनेगी, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, जैसे ही पानी मतलब तुरंत आपका सूख जाता है तो आपका तवा जो है ना अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस इसी तरह से मैंने कुछ मतलब चेक कर लेती हूँ तवा गर्म है या नहीं। बस यहाँ पे मैंने रोटी डाल दी है, और आपको ना ऊपर से अच्छे से पानी लगा के लेना है, रोटी आपको पूरी गीली करके लेनी है, नहीं तो रोटी आपकी बिल्कुल फूलेगी नहीं।
तो बस यहाँ पे मुझे एकदम से तो पानी लगाना नहीं आता है, नहीं तो हमारे साइड में क्या किया जाता है ना, मतलब एक बार में ही पानी लगाते हैं रोटी को, बार बार मैंने जैसे हाथ के ऊपर लिया लगाया उस तरह से नहीं, एक ही बार में एकदम 2 से 3 सेकंड में पानी लगा के लेते हैं। तो मेरी रोटी कभी तवे के ऊपर फूलती नहीं है, मैं हमेशा क्या करती हूँ तवा उठा लेती हूँ और गैस फ्लेम के ऊपर ही मैं रोटी सेक लेती हूँ। इससे क्या होती है ना, मेरी सारी की सारी ही रोटियाँ जो है ना फूल लेती है। आप देख सकते हो मैंने कितनी बड़ी रोटी बनाई है, बट थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा साइड में हो भी जाता है ना, थोड़ा सा आप हाथ से पानी लगा के जोड़ दोगे तो अच्छे से जोड़ भी जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने 2 रोटी बनाई थी, उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए मुझे लगाना था थाली, क्योंकि उसके बाद उनको थोड़ा सा मतलब ब्रेक मिल गया था, उसके बाद और एक उनका कॉल था तो उनको पीना था छाछ। तो मैं सोची मतलब छाछ थोड़ा सा लेट हो गया था तो सोची छाछ स्किप कर देते, बट उनको चाहिए था तो मैंने एक कटोरे में जो है ना बड़े वाले दही डाल देती हूँ, उसे अच्छे से फेंट लेती हूँ नमक डाल के, उसके बाद ही पानी डाल के फेंट लेती हूँ अच्छे से। मैं मिक्सी में कभी नहीं फेंटती हूँ, ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे दाल रोटी और छाछ मैंने दे दिया था, और यहाँ पे मैंने कुछ अनियन, थोड़ा सा एक अनियन जो है ना राउंड में कट करके लिया था, उसमें उसके ऊपर नींबू और साल्ट डाल देती हूँ। ये वाली जो रोटी दाल जो का जो कॉम्बिनेशन है ना, काफ़ी बेस्ट है और हमारे घर में सबको पसंद आता है, इवन श्रीयु को भी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रोटी को अच्छे से एकदम बारीक कर लेते हैं हाथ से, उसके ऊपर दाल डालते हैं और सारा मिक्स करके खाते हैं। इसका टेस्ट आप एक बार ट्राई करना, आपको काफ़ी बेहद पसंद आने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने भी ले लिया है, हस्बैंड का लंच हो गया था, उसके बाद मैंने सारी ज्वार की रोटी जो बनानी थी मुझे वो मैंने बना के रख दी थी। उसके बाद मैंने लंच किया और अभी निकली थी देवांश को लाने के लिए। लगभग बज गए थे और 2:50 हो गए थे, और आप देख सकते हो बाहर का वेदर आजकल ना काफ़ी अजीब मौसम हो रखा है, कभी बारिश आ रही है कभी ठंड लग रही है। सुबह में तो धूप थी इसलिए मैंने बेडशीट भी वॉश कर दी थी, और यहाँ पे देवांश को लेके आ गई थी मैं सब्जी मंडी की तरफ स्कूल से, क्योंकि इस साइड ना मुझे थोड़ा सा काम था, बट वो काम जो है ना आज हो नहीं पाया। सब्जी मंडी पास में आपको फ्रेश और अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। बस यहाँ पे देवांश को मैं लेके आ गई थी साथ में ही, और सब्जी लेके हम लोग आ गए थे घर पे। तो देवांश का मतलब स्वेटर जो है ना डालने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा मतलब बच्चे हैं करके मैंने डिक्की में ही रख दिया था, और आने के बाद तुरंत यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय। घर पे आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आ गई थी किचन में। और मतलब बारिश बाहर मतलब स्टार्ट हो गई थी, तो बस शिव को वही बोल रही थी मतलब काफ़ी ठंडी हवा चल रही है नीचे बैठो, बट बच्चों का क्या मानती ही नहीं है, शिव तो काफ़ी ज़िद्दी होता जा रहा है दिन ब दिन। छोटा था ना तब बहुत शांत था, बट क्या बच्चे है चलता रहता है। बस यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे बन के रेडी है मेरी चाय। बारिश भी हो रही थी तो सोची मतलब चाय बना देती हूँ। देवांश को मैं घर पे आ गई थी, मैंने देवांश को मतलब देवांश का होमवर्क था होमवर्क करके ले लिया, उसे मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करवा दिया था, थोड़ा सा मैंने देवांश को सुला भी दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। शिव को मैंने जैसे मैं मतलब सब्जी लेके आ गई थी, लगभग 4:30 बज गए थे घर पे आते आते। आने के बाद मैंने उसे होममेड सेरेलेक बना के खिला दिया था। अभी मैंने उसे शिव के लिए ना, शिव के लिए और देवांश के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके रखा था, मैंने व्हाइट वाले दूध दे रही हूँ, थोड़ा सा उसमें अदरक जो है ना डाल देती हूँ बच्चों को सुबह और शाम में, तो इससे थोड़ा सा उनके गले को भी आराम लग जाता है। तो बस यहाँ पे शिव को मैं लगा पिला रही थी दूध, बट उसे क्या है ना टीवी देखते देखते ही पीता है, नहीं तो मतलब दूध पीने में थोड़ा सताता है, इसलिए मैं उसे टीवी लगा देती हूँ और टीवी लगा के पिला देती हूँ। और शिव को दूध पिलाने के बाद मैंने डिनर बनाया, बच्चों को खिलाया। बच्चों को खिलाने के बाद जो है ना देवांश को शिव को मतलब वही बोल रही थी कि सो जाओ करके, दोनों भी नहीं सोए, टीवी देख रहे थे वही। मतलब देवांश को मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सुला देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी सोया ना तो दूसरे दिन जल्दी उठ जाता है स्कूल के टाइम पे, नहीं तो वो उठता ही नहीं है, काफ़ी परेशान करता है उठने में। तो बस वही बोल रही थी, एक बार मैं उनको रूम में भी लेके गई बट वो लोग नहीं सो रहे थे, इसलिए मैं मेरा काम था कि मतलब ये कपड़े का काफ़ी बड़ा, आज मैंने 2 लॉट लगाए थे, मेरे मतलब कपड़े के लिए जगह ही नहीं थी, और ऊपर से आज हो रही थी बारिश का बाहर,
तो मैं स्टैंड अंदर ही लेके आ गई थी रूम में कि ताकि फैन जो है ना फुल करके देती हूँ, फुल करके कपड़े जो है ना यहीं पे डाल देती हूँ, तो कपड़े जो है ना आराम से सूखते रहेंगे। तो आज रात भर तो कपड़े सूखेंगे नहीं, छोटे मोटे कपड़े मुझे कल भी मतलब उठाने पड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ठंडा वेदर है, कपड़े यहाँ क्या इतना ठंडे में थोड़ी सूखेंगे। तो बस फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय।